हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो दो डेक्स मैं आज यूज़ करूँगी, विच इज़ टैरो से हम देखेंगे आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के दिल में, और इस डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, उनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ऑब्स्टेकल बन रहा है आप दोनों के लाइफ में। कौन सी सिचुएशन बीच में आ रही है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे, द हैंग्ड मैन, पहला ही कार्ड हैंग्ड मैन का आया है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द डेविल, नाइन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की आज की एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, इन्हें समझ नहीं आ रहा आज कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है ये आपसे अगर कांटेक्ट में हो तो भी आपको ये बताएं कि इनके लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, कहाँ पर ये जगल कर रहे हैं, किन सिचुएशंस में ये अटके हुए हैं, कितने परेशान हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में अराइज़ हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हो सकता है ये आपको बताएं, क्योंकि यहाँ से बॉटम की एनर्जी भी है एट ऑफ सोर्ड्स। तो आज के दिन में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स बहुत स्टक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो वो किसी से डर रहे हैं, किसी तरह का फियर है, या तो वो किसी सिचुएशन में ऐसे बंध गए हैं कि वो निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, अटके हुए हैं उस सिचुएशन में। ये इनकी करेंट एनर्जी है आज के दिन में। साथ ही यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस साइकिल को ये एंड करना चाहते हैं, जिस भी बंधन में बंधे हैं, इस सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, द डेविल की एनर्जी है, किसी कार्मिक के साथ हो सकते हैं या किसी ऐसी साइकिल में हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत सारे कर्मा झेलने पड़ रहे हैं, कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा है। साथ ही इसके साथ साथ इनकी विश है अपने लाइफ में आपको लेकर आना, नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का एनर्जी है। तो इनकी विश है इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना, जिस सिचुएशन के डर से ये भाग रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं शादी का, या अगर आपसे बहुत प्यार करते हैं बट जब आप इनसे पूछते होगे हमारी शादी कब होगी या कब आएंगे हमारी फैमिली से मिलने या बात फैमिली तक कब तक जाएगी, तो ये आपको पोस्टपोन करते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं एक तरीके से। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा शादी करेगा भी या नहीं करेगा, या ये बंदी शादी करेगी भी या नहीं करेगी, चक्कर क्या है। तो इस तरह के डाउट्स आपको आज के दिन में क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दिन में आप में से कई लोगों के पार्टनर ये बोल सकते हैं आपको कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली, इमोशनली, मेंटली अट्रैक्टेड हैं, ये आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते या नहीं देख सकती, पॉजेसिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आज के दिन में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ट्रस्ट इशूज़ क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है प्यार में ही झगड़ा हो जाए, झगड़ा इन द सेंस प्यार वाला झगड़ा, कि यार उनकी पोस्ट क्यों लाइक की, या तुमने ये क्यों किया, या तुमने उसे क्यों ऐड किया, या तुम उसके घर क्यों गए थे, या उसके साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, कुछ ना कुछ मतलब पॉइंट आउट करने वाली एनर्जी दिख रही है, ब्लेम करने वाली एनर्जी, या पास्ट की कोई मेमोरी निकाल कर लड़ सकते हैं। तो ये भी इनका प्यार ही है, ये इनका प्यार जाहिर करने का तरीका हो सकता है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं आज के दिन में। इनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, सो ये सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर्स की। अब मैं देखूंगी आज के दिन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसकी उस दिन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पार्टनर के दिल में आज के दिन में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स फॉर यू ऑल, आपको लेकर आपके पार्टनर्स के दिल में क्या है आज के दिन, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। वन मोर कार्ड, ओके,
मैसेज का कार्ड आ गया है, मतलब आज के दिन में आप में से कई लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। तो अगर आज के दिन में आपको ये रीडिंग देखने के बाद या जब भी आप ये रीडिंग देखें, जब आपको मैसेज रिसीव हो, तो ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द स्टार की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये आपको लेकर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको इस तरह की एनर्जी आज के दिन में भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो ये बात करेंगे तब आपको ये चीज़ें बताएंगे, और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो कोई बात ही नहीं है, आपको ऑलरेडी ये बता सकते हैं, और अगर नो कांटेक्ट में है तो मैसेज करके आपको ये सारी चीज़ें ये शेयर करेंगे। द हेरोफेंट की एनर्जी है, ट्रेडिशनल वे में भी शादी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, ये आज के दिन में आपको लेकर, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे बात करने को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपको लेकर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत होपफुल हैं कि आप ही के साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। साथ ही साथ ये या तो ट्रेडिशनल वे में करेंगे, अपने पेरेंट्स को मना कर रीति रिवाज के साथ, और या तो फिर कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, लेकिन लव होगी या अरेंज होगी, बट होगी मैरिज आपके साथ। ऐसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, रिस्क लेना होगा तो रिस्क भी लेंगे, बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेट हैं, तो भी यहाँ पर आज के दिन आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की तरफ से। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मैसेज कार्ड क्या कहेंगे। काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ रहा है, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, लव बिगिंस एंड नाइन ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैसेज करके ये कहेंगे कि इन्होंने आपके खिलाफ़ मुझे ऐसा बोला था, या उन्होंने आपके खिलाफ़ मुझे ऐसा बोला था, या मेरी फैमिली आपके खिलाफ़ है, इस तरह की कोई बातें हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर मैसेज तो करेंगे, बट हो सकता है आर्ग्यूमेंट भी हो जाए, फाइट भी हो जाए किसी बात पे, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। फिर यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ लोगों के पार्टनर बोल सकते हैं कि आपके लिए और इनके बीच में जो भी कार्मा था वो रिलीज़ हो सकता है, ये आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यार मैंने ये डिसीजन ले लिया है और ये साइकिल कार्मिक के साथ जो भी थी वो एंड होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग अपने करियर से रिलेटेड बातें बता सकते हैं कि इनके करियर में क्या चीज़ें चल रही हैं, या ये कहाँ बिजी थे, कौन से काम में बिजी थे। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टॉक कर सकते हैं, लव बिगिंस की एनर्जी है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। कुछ लोग आपको ये बोल सकते हैं कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, कोई और नहीं, इनके दिल में, दिमाग में किसी और के लिए कोई प्लेस नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपका भ्रम है, इस तरह के मैसेजेस ज़्यादातर दिख रहे हैं। सो देखते हैं कि करंट फीलिंग्स में जो कार्ड्स आए हैं, नेक्स्ट एक्शन में क्या एनर्जी आती है, क्या नेक्स्ट एक्शन में सेम एनर्जी आती है। पहले हम रून से देखेंगे, प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का क्या होने वाला है। रीयूनियन की एनर्जी आ गई है, न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी आई है, केयर फ्री होके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपको गिफ्ट मिल सकता है, आपको बुला सकते हैं, या खुद आपके घर आ सकते हैं, या मिलने आ सकते हैं। यस, मैसेजेस का कार्ड आ गया है, आपको मैसेज मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। रून से भी मैसेज का कार्ड है, फेहू की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको मैसेज रिसीव होगा आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ लोगों के लिए, सिर्फ बहुत कम लोगों के लिए वार्निंग मैसेज है, ट्रिगर भी मिल सकता है कुछ लोगों को आज के दिन में अपने पार्टनर से किसी तरह का ट्रिगर, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी है, मैसेजेस, रोमांटिक बातें, रीयूनियंस, ज़्यादातर यही एनर्जी है। लेट्स चेक फ्रॉम साइकिक टैरो आल्सो क्या एनर्जी निकल कर आती है।
नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का क्या हो सकता है एंजल्स? एट नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स, बैलेंस, डेस्टिनी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, हारमोनी, इंट्यूशन। यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों का रियूनियन होने वाला है आने वाले 8 दिन या 8 घंटे के अंदर, 8 आवर्स, 8 डेज या 8 मिनट्स, आप में से ज़्यादातर लोगों का रियूनियन होगा यहाँ पर आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ। यहाँ पर सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थी या तो बड़े बूढ़े मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे या तो आप दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे, बट यहाँ बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही आपको मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर की मिसिंग एनर्जी आपको फील हो सकती है। यहाँ पर देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, करंट फीलिंग्स में भी और नेक्स्ट एक्शन में भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो ज़्यादातर लोगों के लाइफ में पॉजिटिव मोमेंट आगे आपकी रिलेशनशिप में बढ़ने वाला है। इनका इंट्यूशन बहुत पावरफुल वर्क कर रहा है। फुल मून के बाद की एनर्जी है तो डेफिनेटली बहुत हैवी एनर्जी होगी। आपके पार्टनर्स बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को रिकवर किया है और आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी है। कोई कार्ड क्लैरिफाई करना है तो मैं कर देती हूँ। हारमोनी क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? करंट फीलिंग्स में देखिए द फूल की एनर्जी आई थी यहाँ पर क्लियरली, और करंट एनर्जी में विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आई थी। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स के लाइफ में अगर कोई भी कर्मा था या कोई भी चॉइसेस थी तो वहाँ से केयरफ्री होकर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके विश पूरी होगी, आप जो विश मांग रहे थे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ें, थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएं, जो भी इनके लाइफ में आपको खुद से दूर कर रहा है, आपको अपने पार्टनर से दूर कर रहा है, वो इनके लाइफ से निकल जाए, तो आपकी विश ग्रांटेड हो चुकी है, आपकी विश मैनिफेस्ट हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट डेस्टिनी क्यों आया है? कर्मा रिलीज होगा, सैक्रिफाइस की एनर्जी है। इनके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी कार्मा साइकिल चल रही थी उससे रिलीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। बैलेंस क्यों आया है? टेम्परेंस, टेम्परेंस देखिए बैलेंस की एनर्जी है और 6 नंबर भी बैलेंस का है। बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, अपनी मटेरियल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चल रहे हैं आपके पार्टनर। मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आपके साथ इनका अगर सेपरेशन हो गया था या रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया था इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, आपकी मेमोरीज़ ही इनको वापस लेकर आ रही है आपकी तरफ। अगर आप दोनों में बिल्कुल नो कांटेक्ट था या एकदम बात नहीं हो रही थी तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि ये रिटर्न आएंगे आपकी तरफ, अपनी मेमोरीज़ को ये संभाल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनके लाइफ में। क्यों आया है ट्रांसफॉर्मेशन? सेलिब्रेशन, देखिए आपकी तरफ सेलिब्रेशंस आ रही हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं आपके लाइफ में। इंट्यूशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आपके लाइफ में हाई प्रीस्टेस कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स थे जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन चल रहा था या नो कॉन्टैक्ट था, लेकिन यहाँ पर वो ऑब्स्टिकल रिलीज होता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, वाओ, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पैशन इग्नाइट एंड लव बिगिंस, 1-1 की एनर्जी है। देखिए 7-1-1 इज एन एंजल नंबर, 7-1-1, हो सकता है आप में से कई लोगों को 7-1-1 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या 666 की एनर्जी, 333 की एनर्जी, 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी में आ रही हो, या 888 की एनर्जी।
ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको अगर दिख रही है, या 919 की एनर्जी, या 818, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, एक नई शुरुआत आपके पार्टनर के साथ। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आज के लिए क्या गाइडेंस है। विल टेक थ्री कार्ड्स, 1, 2, 3। बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन ज़रूर करते रहें। सक्सेस का कार्ड है, सक्सेस मिलने वाली है आप लोगों को। बिग हैप्पी चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं, पॉजिटिव रहें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी सिचुएशन लव लाइफ में चल रही है वो बहुत जल्द इम्प्रूव होने वाली है। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है या आपको गाइडेंस मिलती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।